के परिवार को सुरक्षा दे दी गई है। पीड़ित ने चार दिन पहले समाजवादी पार्टी विधायक के दो बेटों समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और शिकायत दर्ज कराने के बाद ही शिकायतकर्ता को धमकियां मिल रही थी। विधायक के परिवार से खुद को जान का खतरा बताया था। पूरा मामला नगर कोतवाली के मोहल्ला सराय का है। युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। युवक को अब सुरक्षा दिलाई गई है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में सीएम धामी ने शिरकत की। बैठक में पार्टी की नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में औपचारिक रूप से नए पदाधिकारियों का परिचय भी कराया गया और साथ हुई इस बैठक में पार्टी के नए कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। तो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। सबसे पहले जो नए पदाधिकारी उनका परिचय कराया गया, क्या रणनीति रहेगी, तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। सरकार के कामों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर चर्चा की गई। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। हमारी संगठन की बैठक चल रही है, नए पदाधिकारी बने हैं और आज चूंकि पूरे प्रदेश की टीम नहीं बन गई है, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजय श्री हमको मिली है आगे आने वाले समय के लिए। जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज जब उनकी पहली बैठक हो रही, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बदायूं में शुक्रवार शाम पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प और पथराव हुआ। दरअसल पुलिस की चेकिंग और पैदल गश्त के दौरान एक व्यक्ति की गाड़ी चेक करना पुलिस को महंगा पड़ गया।